अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं हैं आपके साथ और आपकी दुआएं हैं मेरे साथ। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ आपको बहुत बहुत ज़्यादा इस्लामी साल मुबारक। और मुहर्रम का जो अशरा शुरू हो गया है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि सूरत फातिहा, सूरत मुज़म्मिल का ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ के महल-ओ-याल में उन सब की बख्शिश के लिए दुआ करें और उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें। बहुत बहुत ही सवाब है आपको भी और उनको भी। तो आज आपकी दुआओं से बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी तबीयत बहुत हद तक बेहतर। तो शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं उठ गई हूँ बिस्तर से, जो इतने दिनों से लेटी हुई थी, बहुत परेशान थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बेहतर हूँ। दर्द होती है ज़्यादा, अभी खड़ा नहीं हुआ जाता है ज़्यादा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस आजमाइश से निकाला है। और आपकी दुआएं थी मेरे साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शेक, जो खाने में भी है और पीने में भी है। तो चलाएं मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं शेक कैसे बनाती हूँ। और बच्चे बहुत शौक से पीते भी हैं और खाते भी हैं, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। तो कोशिश करें कि इस तरह का शेक बना के दें जो बच्चों को खाने में भी और पीने में भी आसानी हो। तो आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। ले जी, हूर तो पहले ही स्टार्ट हो गई है मैंगो खाने के लिए। हूर को मैंगो बहुत पसंद है। हूर, आपको अच्छे लगते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। तो मैंने ये लिए हैं 1 लीटर दूध और इसमें ऐड करने लगी हूँ। कुछ मैंने शेक के लिए बनाए हैं, कुछ मैंने बाद में ऐड करने के लिए बनाए हैं। तो ये बहुत हेल्दी होता है और बहुत अच्छा होता है, बच्चों को बहुत पसंद है और ये पीने और खाने दोनों को टेस्ट देता है। तो ये जो क्यूब्स मैंने बनाए हैं ये लास्ट में मैं ऐड करूँगी, अभी नहीं ऐड करूँगी। तो अब मैं बीटर के साथ मैं इसको ब्लेंड करूँगी। तो ये मैं ब्लेंड करने लगी हूँ बीटर के साथ, मुझे बहुत आसान लगता है, इस वजह से मैं बीटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जूसर कम यूज़ करती हूँ। हर चीज़ में ये बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत अच्छी तरह ये ब्लेंड हो जाता है। तो ये देखें आप, ये बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो रहा है और बहुत स्मूथ ब्लेंड होता है, बहुत स्मूथ ब्लेंड होता है। तो ये मैं कर रही हूँ ब्लेंड, ये बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और ये बहुत हेल्दी फूड है, खाने में भी मज़ा आता है और पीने में भी मज़ा आता है। तो अब मैं इसमें मिठास के मुताबिक चीनी ऐड करने लगी हूँ, जो कि मैं ब्लेंड के बाद चीनी ऐड करती हूँ। तो अब मैं ये ऐड कर रही हूँ क्योंकि अक्सर आम बहुत मीठे होते हैं। ये मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, तो ये होगी चीनी ब्लेंड। अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्यूब्स। तो ये मैं क्यूब्स ऐड करने लगी हूँ। अब आपने ब्लेंड नहीं करना, अब ये क्यूब्स खाने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो ये मैं शेक में सारे ऐड करने लगी हूँ। तो मेरे बच्चे तो बहुत शौक से पीते हैं, आप ही बनाएं, बच्चे खाएंगे भी और पियेंगे भी। जो मैंगो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, शेक भी ना पसंद करते हैं, तो शेक में ऐड कर दें, बहुत ही हेल्दी हो जाता है। और यह मैं डाल के देने लगी हूँ रियान को, रियान को डाल के देने लगी हूँ। तो ये आ गई, ये देखें इसका टेक्सचर कितना मज़ेदार, यमी। तो ये रियान आ गया। रियान कैसा लग रहा है? अच्छा, टेस्टी है। तो ये सब बच्चों को मैंने डाल के दिया और इनके मैं स्ट्रॉ लेकर आई थी मैं। तो बड़े मज़े से ये पी रहे हैं। अरहम, कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत प्यारा। और हूर, आपको? अच्छा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे देखें।